जब कांग्रेस बनी थी 1885 में तो तब हर साल के बाद इलेक्शन होते थे फिर दो साल के बाद अब इधर 25 साल हो गए थे तो हमने कहा भाई पच्चीस साल तो स्टेगनीशियन है इसलिए अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है तो ब्लॉक लेवल से नेशनल लेवल तक इलेक्शन हो, विच वॉज नॉट लाइकड बाई द लीडरशिप हम लोगों ने तीसरा रिमाइंडर भेजा वर्किंग कमेटी को बुलाओ तो लीडरशिप ने कहा कि ये जो लेटर लिखी है मोदी ने लिखी है तो ये थी सोच हमारी लीडरशिप की रीजनल पार्टीज दो जो आप जानते हैं मैं नाम नहीं लें उनने शुरू कर दिया कि हमें वोट दे दो हम तीन सौ सत्तर वापस लाएंगे टू तो कॉल देयर ब्लफ कि झूठ बोलते हैं मैं एक अमेंडमेंट का खाली उल्लेख देना चाहूँ जब ये ट्रिपल तलाक वाला लाया तो एक था कि कोई भी शिकायत करेगा चाहे वो केरल का हो तमिलनाडु का हो किसान हो मजदूर किसी पार्टी का तो पुलिस उसको कॉग्निजेंट ऑफेंस लेगा और जेल में डाल दे शिकायत तो हा बीवी करेगी ज़्यादा ज्यादा मैं उसकी माँ करेगी बाप करेगा भाई करेगी बट तमिलनाडु वाला करेगा कश्मीर वाले पर कश्मीर वाला करेगा तमिलनाडु पर तो एक साल रिजेक्ट रहा तो फिर मंत्री मेरे कमरे में आए कि क्या चाहते हो राजनीति इज़ आल्सो सर्वाइवल ऑफ़ द फ्यूचर में आपकी पार्टी क्या बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है? है लीडरशिप का ब्लैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में और रही राहुल गांधी को क्योंकि एक फेस प्रोपेल करा जा रहा है कांग्रेस का मगर वो अपने इस जो उनको मौका मिला है वो उसको लीडरशिप में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे देखो अल्टीमेटली दो चीज है मेरे में कुछ तो सेंट्रल लीडरशिप पर ही निर्भर रहते हैं और खुद कई लोग असर्ट करते हैं आखिरकार कांग्रेस हिमाचल में भी तो आ गई आखिरकार कांग्रेस कर्नाटक में भी तो आ गई लेकिन कर्नाटक की जो लोकल लीडरशिप थी वो निर्भर नहीं रहे सेंट्रल लीडरशिप क्योंकि उनकी एक अभी अगली आ, 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 अलग छवि थी मुख्यमंत्री उसकी एक अलग छवि थी ईमानदार गो गेटर डिप्टी सीएम उसकी दूसरी छवि थी गुड ऑर्गेनाइजर गुड फाइनेंशियल कैपेसिटी मोबिलाइज कर देंगे अब ये जो यहां का चीफ मिनिस्टर बना तेलंगाना मैं उसको 100 सौ एक सौ में से 110 नंबर देता हूं द दे, विक्ट्री सब उसकी वजह से वन मैनज विक्ट्री क्योंकि मैं इंचार्ज था उससे पहले भी एज लीडर ऑफ भी आंध्रा तेलंगाना का तो जो शिकायतें आती थी पुराने लीडरों के बाद ये जब नया नया था उस वक़्त मैं ही इंचार्ज था और चंद्र बाबू की पार्टी से हमारी पार्टी में आया तो बहुत लोगों ने विरोध किया हमने बहुत उसको सपोर्ट किया आई सपोर्टेड और सबको कहा इसको मीटिंग में ले जाओ तो लोकल लीडरों ने क्या किया जिनमें सीनियर लीडर कैबिनेट मिनिस्टर भी थे वो इसको सबसे बाद में बुलाते थे और सबसे बाद बुलाने में उसको इतनी तालियां बजाते थे लोग जिनकी अगर चार बुलाते इसकी हंड्रेड थाउजेंड सो सीनियर लीडर्स डेड डाय फिर इसको सबसे पहले बुलाना शुरू किया कि जूनियर है ये बोला तो नाइन्टी परसेंट खाली हो जाता था तो एक दिविधा बन गई इसको कि बुलाए नहीं तो तो भी लोग मानते हैं पहले बुलाएं तो भी मुसीबत आखिर में बुलाएं तो भी मुसीबत तो जब इनके हाथ में प्रेजिडेंटशिप दी तो इट वॉज ए वन मैन पार्टी

और सेंटर की चली या ना चली या लीडरशिप कमजोर है या है वीक है या मीडियोकर है तो खुद उनकी अपनी क्या परफॉर्मेंस फिर उनकी क्या लीडरशिप मैंने यह बताया है अपनी बुक में मैं अटल जी के पूरी वक्त में आठ स्टेटों का इंचार्ज था आई वन सेवन स्टेट्स आई हैव कॉल्ड पार्टी प्रेजिडेंट ओनली वंस वंस एक एक दफा जस्ट बट आई वॉज फंक्शनिंग एज पार्टी सी एल पी पी सी सी प्रेजिडेंट ए आई सी सी जनरल सेक्रेटरी बिकॉज आई वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट द पहला तजर्बा तो मैंने किया नाइनटी एट में जब मिसिस गांधी थी नई थी टोटल और राजस्थान तो मुझे बताया गया कि मध्य प्रे सॉरी कर्नाटका इलेक्शन हुआ अपोजिशन यहाँ दिल्ली में सेंटर में अटल जी थे और वहाँ जनता पार्टी सीएम था तो हाँ कांग्रेस वॉज बिल्डर मैं तो कहा जी यहाँ दस पंद्रह चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं एक करेगा तो पंद्रह नहीं आएंगे तो मैंने एक थॉट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया अभी सवा साल था इलेक्शन में तो मैंने एक बीस बस हायर करी फिफ्टी टू सीटर तो मैंने लिस्ट बनाई फोर्टी फाइव लीडर्स की ऑल एक्स पी सी सी प्रेजिडेंट ऑल एक्स सी एल पी लीडर्स ऑल एक्स सी ऑल एक्स यूनियन मिनिस्टर बस में बिठाया खुद ड्राइवर की सीट पे आगे खुद सो आई बिकेम पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन तो फर्स्ट फेज तीन महीने का बनाया कि हर विधानसभा में पांच पांच पब्लिक मीटिंग करना लेकिन वापस नहीं आना वहीं सोना रात को अगर ये बैंगलोर से 300 किलोमीटर है तो उस विधानसभा में खत्म हुई कल दूसरी विधानसभा जाना है सो आई कैन नॉट कम थ्री हंड्रेड एंड गो थ्री तो किसके आप एक लीडर हैं, आप एक वर्कर के सोइए आप लीडर के दूसरे दूसरा लीडर मेरी बुक में ये है और तब तक मैं तीन प्राइम मिनिस्टर के साथ काम कर चुका था और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका था सुबह मैं ओपन डेफिकेशन के लिए जाता था, था खुद एज एज जनरल सेक्रेटरी एज फार्मर मिनिस्टर विद थ्री प्राइम मिनिस्टर वो भी एक चैप्टर पढ़ी बड़ी कहानी है आपकी सर किताब तो ये, है। ये खुद नहीं कहते हैं वो ए बी आएगा जी दिल्ली से हमारी मीटिंग होगी अरे खुद तो पाऊँ टांगे तुम्हारी लीडरशिप जाओ ना द सेकेंड फेज़ मैंने किया फिर असम्बली हेडक्वार्टर पे मीटिंग थर्ड फेज़ मैंने किया डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर फोर्थ किया मैंने प्राविंशल हेडक्वार्टर द लास्ट मैंने किया स्टेट हेडक्वाटर माय कंपेन वज नो बडी वॉज रिक्वायर्ड एंड दिस आई डिड इन तमिलनाडु आंध्रा दिस आई डिड इन सेवन स्टेट्स आउट ऑफ एट सर कहीं ना कहीं ये भी बात है कि राहुल तो गांधी आई नॉट नो पर... तो सोनिया जी आएंगी मेरे को बचाने राहुल जी तो तब नहीं थे राजनीति में ही नहीं थे आ? तो मैंने कभी नहीं देखा एक आध दफा मैंने कर्नाटक बुला भेजा पूरे उस सवा साल तक इलेक्शन एक आध हैदराबाद भेजा सर अब उस बात पे आती हूँ जो आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला तो ये हमेशा देखा गया है कि आप लोगों ने एक दूसरे की हमेशा एक दूसरे के कार्यों की एक दूसरे की पर्सनालिटीज़ की हमेशा तारीफ किया और यहाँ तक कि जब आपका सदन में आखिरी दिन था तो प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में भी आपको बहुत सराहा और उसने कई चीज़ों के लिए सवाल खड़े कर दिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी पार्टी क्या बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है देखो हम तो इस वक्त टोटल न्यूट्रल था कांग्रेस पार्टी हालांकि उसको बहुत चलाती है वहाँ भी एजेंडा यहाँ भी एजेंडा और ये अकेले मेरे नहीं चलाती थी जब हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर थे हम कई लोग सीनियर लोग ट्वेंटी थ्री लोग जी ट्वेंटी जिसको किसी ने मीडिया ने इनाम दिया जिसमें हम छ्स सी भी थे और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी थे और वर्किंग कमेटी के मेंबर भी थे और जनरल सेक्रेटरीज भी थे और चौदह एक्स यूनियन मिनिस्टर थे लेकिन एम भी थे तो हमने कोशिश की लीडरशिप को और हम उस वक़्त भी चेंजेस चाहते थे नॉट चेंजेस ऑफ सोनिया गांधी या राहुल गांधी ब्लॉक लेवल पे इलेक्शन हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हूँ स्टेट लेवल पे हूँ नेशनल लेवल क्योंकि अर्लियर जब कांग्रेस बनी थी 1885 में तो तब हर साल के बाद इलेक्शन होते थे कई साल हो दस फिर दो साल के बाद अब इधर पच्चीस साल हो गए थे तो हमने कहा भाई पच्चीस साल तो स्टेग्निशन है इसलिए हल अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है तो ब्लॉक लेवल से नेशनल लेवल तक इलेक्शन हो, विच वॉज नॉट लाइक्ड बाई द लीडरशिप तो उसमें रिमाइंडर दिया जवाब का वो नहीं हुआ फिर वर्किंग कमेटी बुलाई गई वो उसके लिए भी हम लोगों ने तीसरा रिमाइंडर भेजा वर्किंग कमेटी को तो बुलाओ लेकिन उन दिनों कोविड था तो वो वर्चुअल होती थी तो लीडरशिप ने कहा कि ये जो लीडर है लेटर लिखी है मोदी ने लिखी अब लीडरशिप 23 लोगों को जिनमें आपके एक्स चीफ मिनिस्टर हैं दो दो टर्म वाले चीफ मिनिस्टर हैं जिसमें आपके पचास चालीस चालीस साल के एमपी बैठे हैं कैबिनेट मिनिस्टर हैं कुछ इंदिरा गांधी के साथ कुछ हमारे जैसे इंदिरा गांधी राजू गांधी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह के साथ और कुछ तीन तीन के साथ उनको आप कहोगे कि लेटर मोदी नहीं है लिखे बिकॉज यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को कहा है कि सिस्टम में बदलाव लाओ बट सिस्टम में बदलाव लाने किसके लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे तो हो गया तो उस दिन से टैग हम लोगों को लगा दिया ये बीजेपी वाले ये लेटर इनको बीजेपी ने तो मैंने कहा दिया उसी वक्त मीडिया में कि मोदी साहब इतने सिंपथाइजर है कांग्रेस के लिए कि वो कहते हैं कि कांग्रेस बड़ी कमज़ोर है तो इनको ब्लॉक का इलेक्शन करना चाहे डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन करना चाहे स्टेट का इलेक्शन करना चाहे नेशनल का इलेक्शन करना नेशनल लेवल का इलेक्शन करना चाहे सत्ता में आने के लिए तो अगर वो इतना चिंतित है कांग्रेस पार्टी के कि कैसे ये सतह में आए तो वो तो फिर हमारा सेम्पथाइज़र है फिर आप क्यों उसको गालियां देते हो तो ये थी सोच हमारी लीडरशिप की कि जो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते दुर्भाग्य से बाकी हमारे साथी आता आस्ता कम्प्रोमाइज़ किया वो ठीक है किन इश्यूज़ पे किया है मेरे दोस्त हैं तब भी थे थे मिले, मिले मैं उनका आदर करता हूँ कोई स्टैंड लेता है कोई नहीं लेता है कोई कंप्रोमाइज़ करता कोई नहीं करता हमारे जैसे बेवकूफ़ आदमी कंप्रोमाइज़ नहीं करते सिद्धांतों पर अपने रहते हैं कि हमने जो तब भी कहा था ये करने से ठीक हो सकता है हम आज भी करते हैं ये ये करने से ठीक हो सकता डॉक्टर तो दवाई दे सकती है आप घोड़े को दरिया तक ले सकते घोड़े पानी नहीं बुला बिला सकते उसको ये जब मैं नई पार्टी बनाई तो एक पब्लिक मीटिंग में कहा क्योंकि मैं जब गया तो मुझे बस वहां कश्मीर में कि रीजनल पार्टीज दो जो आप जानते हैं मैं नाम नहीं ले उनने शुरू कर दिया कि हमें वोट दे दो हम 370 वापस लाएंगे हा? तो हा? तो कॉल देर ब्लफ कि ये झूठ बोलते हैं वहां मुझे कहना पड़ा कि 370 ये नहीं ला सकते रीजनल और मैं भी नहीं ला सकता में रीजनल पार्टी हो ये भी रीजनल ये हमारे बस का है नहीं और जो रीजनल पार्टी बता रहे हैं उनके ऑलरेडी तीन एम पी है वैली से जम्मू की दो तो नॉन मुस्लिम आती हैं चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो तो तीन ऑप्टिमम नंबर इनके पास है अब तीन की तीन सौ तो नहीं होने वाले जब आज होकर वो बोले ही नहीं पार्लियामेंट में तीन सौ सत्तर मैं अकेला होकर कांग्रेस का मैंने एक घंटा बोला इन्होंने एक सेकंड भी नहीं बोला विरोध भी नहीं किया तो मैंने कहा या मोदी जी ला सकते हैं तो मोदी जी लाएंगे नहीं उन्होंने तो ये उनका सेवेंटी से, से, साल से एजेंडा था तो वो क्यों लाएंगे लेकिन लाएं अगर उसको मनवा सकते हो मोदी जी को तो मैं आपकी रीजनल पार्टी ज्वाइन करूँगा अपनी पार्टी मतलब ये तक मैंने चले अगर मोदी जी को आप कन्विंस कर सकते हो कि दूसरा बिल लाए तो मैं आपकी रीजनल पार्टी ज्वाइन करूँगा अंडर योर लीडरशिप तो एक तो मैंने वो कहा बिकॉज आई न्यू मोदी जी बीजेपी विल नॉट क्योंकि उनका सबसे आज भी हर इलेक्शन में वही प्लैक और दूसरा कहा सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त अभी तीन साल हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल में आधे घंटे की हियरिंग सुनी है तो अगर इस गति से वो गए तो तीन सौ साल लगेगी तो लेकिन अगर वो ही कर सकते हैं और कोई रीजनल पार्टी नहीं कर सकती एंड आई स्टैंड बाय या तो सुप्रीम कोर्ट या प्रेजेंट गवर्नमेंट जे एंड के को सर अब स्टेटहुड मिल गया है ऐसे में बहुत जल्द यहां पे पहली बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी अब होंगे ऐसे में आपकी पार्टी क्या किसी रीजनल पार्टी से हाथ मिलाते हुए या नेशनल ना, पार्टी ना, से हाथ मिलाते? किसी रीजनल पार्टी से आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे चुनाव सोच सोच है हुँ. और मेरी सोच के हिसाब मुझे दोनों कम्युनिटीज में हिंदूज भी और मुसलमान आई डोंट रिप्रेजेंट इन वन रिलीजन एंड आई रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट एंड फाइट बोथ द रिलीजन आई मीन रिगार्ड और रेस्पेक्ट करता हूँ सबके और मेरा पॉलिटिक्स हमेशा पचास साल का है कि मेरे खाने बनाने वाले भी मेरे सर्वेंट्स भी मेरा स्टाफ भी हमेशा मिक्स रहता है और मेजार्टी का मेजॉरिटी में रहता है मेजोरिटी कम्यूनिटी का मेरे भी मेजॉरिटी में ही होता और ये उस सोच को मैं कभी बदलूंगा नहीं वो सोच हमारे साथ ही ज़मीन में जाएगी इसलिए मैं कोई ए के साथ उसकी बोझ नहीं उठाना चाहता बी के साथ उसका बोझ नहीं उठा मेरी एक सेकुलर बेस रही जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बराबर है और मेरे साथ जो साथी नए आए हैं चाहे कांग्रेस से आए हैं दूसरी पार्टी मैंने कहा कोई आपको मेरा ट्रैक फॉलो करना नॉट ओल्ड ट्रैक्स सर आई एन डी आई अलायंस के बारे में बात करूंगी कि अभी पिछले कुछ समय से देखा जाए तो मतभेद काफ़ी सामने आया है चाहे अखिलेश के बयान देख लें या चाहे ममता के बयान देख लें तो जिस तरीके के ये बयानबाजी हुई है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सामने आया है कि ये सब सेम पेज पे नहीं है ये सारे लीडर सेम पेज में नहीं हैं आई एन अलायंस के ये किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का काउंटर कर पाएंगे 2024 में क्योंकि मैं आपकी बात करूंगी कि एज लीडर ऑफ एपोजिशन आपने हमेशा पार्टी को जोड़ करके रखा चाहे यूपीए वन और यूपीए टू की भी मैं बात करूंगी आप कांग्रेस में थे और आपने बहुत ही प्रभावशाली एक रोल प्ले किया था कई बार पार्टी में मतभेद हुए थे और पार्टनर्स में मतभेद हुए थे लेकिन आप सबको सेम पेज पे लेकर के आए थे जो आई एन मीटिंग करता था और कई इनसे मनाता था और हाउस चलता था जहाँ गवर्नमेंट फेल हो जाती थी मैं पकड़ता था जहाँ ये फेल हो जाते थे मैं गवर्नमेंट को पकड़ता था भाई ये तुम भी छोड़ दो इतना दो कदम पीछे जाओ इनको दो कदम आने तो सब बिल भी पास होते थे क्योंकि मैं जो सीखा हूँ शायद मेरे बहुत सारे सीखे मुझे जो सिखाया गया है राजनीति में कि आप जब पार्लियामेंट में जाओ लोकसभा या राज्यसभा तो अगर आप अपने व्यूज़ रखोगे नहीं और वो पेंडोन ना हो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में नहीं हो तो आपका एमपी बनना लोकसभा या राज्यसभा फजूल है यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर वर्क यू आर सपोज टू बी पार्लियामेंटेरियन यू आर सपोज टू लेजिस्लेट आपको कानून बना बनाना है उसमें पूरा भाग ले लो आपके लोगों को रिप्रेजेंट करनी है उनकी मिजरीज उनकी परेशानी उनके दुख और दर्द को वो सदन में बोलो लेकिन आप गवर्नमेंट को कर करने या शो डाउन करने के लिए वॉकआउट करो आप अपने पांव काट रहे ना आपको टेलीविजन में किसी ने सुना ना आपका पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में कुछ है तो मेरी चालीस साल के अगर कोई भी देखा जब मैं बोलूँगा इट इज पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में लिख, लिख लिख जो बुक्स है हमारे इधर पाँच साल पीछे राज्य लोकसभा में अधिकतर बाइक है तो आप अगर उस दौरान का देखो कि यहाँ लंबी लंबी स्पीचेज हमारी होंगी उनका होगा कि बाइक तो बाइक किससे फाये नुकसान हुआ किसी का नुकसान तो उनका हुआ आपकी प्रोसीडिंग्स में कहीं नाम नहीं है आपका टेलीविजन में यूट्यूब का उसमें नहीं है आपका जो बुक्स छपती हैं जिसको आ, रिसर्च करते हैं लोग उसमें लोकसभा वाला हो गया होगा ही नहीं कहीं गुलाम नबी आज़ाद ने, ने यहाँ बोला इस मुद्दे पर यहाँ तो है ही नहीं इस हाउस में है ही नहीं तो हु इज़ द लूजर पार्लियामेंटेरियंस दे बिकॉज दे आर आउट ऑफ द रिकॉर्ड लेकिन मेरा तो इसलिए शायद जिस टीचर में हमने पोलिटिकल टीचर्स में पढ़ है नॉट द रियली पोलिटिकल चीज मैं द पॉलिटिशियन उसके साथ उन्होंने नहीं पढ़ तो विरोध आप अपनी भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं नीति का आप विरोध अपनी भाषा से कर दें ये ऐसे होना चाहिए था आपने ऐसे किया गलत रास्ता किया मगर सर आई एंड आई अलायंस का क्या फ्यूचर आप देखते हैं देखो मैं वही बताता हूं अलायंसेस बाई लेटरल होता है यूनिलेटरल नहीं होता दो तरफा होता है एक तरफा नहीं होता अब अलायंस चाहो कि मेरी ही बात सुने इसलिए मैंने बताया ना कि इस गवर्नमेंट को लोग समझते थे बड़ी स्ट्रांग लेकिन मैं उनको भी बनाता था इनको भी था और बीच में काम हो जाता था इनको भी बोलने का मौका मिलता था वो कानून भी पास होता अमेंडमेंट भी लानी पड़ती थी मैं एक अमेंडमेंट का खाली उल्लेख देना चाहूँ जब ये ट्रिपल तलाक वाला लाया तो ट्रिपल तलाक में सबसे आपत्तिजनक था दो चीजें आपत्तिजनक थी जब हमारे सदन में आया तो एक था कि कोई भी शिकायत करेगा चाहे वो केरल का हो तमिलनाडु का हो किसान हो मजदूर किसी पार्टी का कि वो फला आदमी अपनी पत्नी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता स्वभाव नहीं करता तो वो पुलिस उसको कॉग्निशन ऑफेंस लेगा और जेल में डाल दे तो मैंने सदन में कहा अरे कल सबसे पहले तो मैं जाऊंगा कोई तमिलनाडु का आरएसएस वाला जो मेरे खिलाफ होगा वो कहेगा गुलाम नबी आजाद अपनी पत्नी के साथ अच्छा सलोक नहीं तो आई विल बी इन द जेल है क्योंकि ये हमारी किस्मत तो आपके हाथ में आ गई बिकॉज यू कैन ऑल्सो राइट तो आप तो सब हिंदुस्तान के मुसलमान को लीडरों को मौलवियों को जेल में डालोगे आप शिकायत करोगे आप या कोई दूसरा हमारा पोलिटिकल राइवल करेगा तो ये कहाँ का कानून है शिकायत तो बीवी करेगी ज़्यादा ज़्यादा हम उसकी माँ करेगी बाप करेगा भाई करेगी बहन टू तो दैट एक्सटेंट आई कैन बट तमिलनाडु वाला करेगा कश्मीर वाले पर कश्मीर वाला करेगा तमिलनाडु पर ये कौन सा लार है और दूसरा मैंने कहा कि भाई अगर जितनी सहानुभूति आप मुस्लिम बहनों के साथ हो सकते हो तो तीन साल की आपने जेल रखा है तो पढ़े लिखे लोग तीन शादियां नहीं करते हैं किसान मजदूर वो ये करता है कि एक में और हैंड भरे तो अर्निंग हैंड वो है अर्निंग हैंड जेल में रहेगा तीन साल के बाद आएगी बच्चे भीख मांग रहे होंगे बीवी को कोई उठा के लिए गया होगा तो ये कौन सा न्याय दे रहे हो आपको इतनी हमदर्दी है ना तो आप ये कहोगे जब तक वो जेल रहेगा खाने पीने का और पढ़ाई का खर्चा सरकार देगी तो मैं कहूंगा सर, तो मैंने उसको फेल कराया सब यूनाइटेड अपोजिशन के बोलकर बिल वार रिजेक्टेड तो एक साल रिजेक्ट रहा तो फिर मंत्री मेरे कमरे में आए कि क्या चाहते हो मैंने कहा दो चीजें एक तो ये हटा दो कि कोई भी शिकायत कर सकता दैट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा जब तक वो जेल रहेगा तो खर्चा देगी तो कम से कम एक साल के बाद जब आए तो वो कोई भी शिकायत करने वाला ना कॉफ़ हो गया उन्होंने वहाँ वो लोकसभा वाले सतर्क ज्यादा होते वो भी कोई अमेंडमेंट ला सकते तो कुछ अमेंडमेंट तो मैंने बहुत सारे बिल्स पे जो नहीं थी समाज को या कम्युनिटी को वो अमेंडमेंट्स मनवाई और गवर्नमेंट ने मान ली लेकिन आप हिस्सा ही नहीं मांगोगे तो उन्होंने वैसे ही पास कर दिया जो है नहीं तो नाउ सॉल्विंग तो ये मेरे कहने का मतलब है कि इतना बढ़ ये गठबंधन चल सकता है जन जब एक व्यूज के लिए हो जो जनता पार्टी 77 में विद बैंग आ गई तो ढाई साल में दो प्राइम मिनिस्टर बदलने पड़े पहले मोरारजी देसाई दो साल के बाद चरण सिंह और ढाई साल में कोलेप्स तो ढाई साल में तीसरी गवर्नमेंट आ गई तो दैट कुड़ नॉट सस्टेन इसलिए और उस वक़्त चार पांच ही पार्टियाँ थी अभी तो छब्बीस है तो छब्बीस पार्टियों को चलाने का नंबर वन अनुभव होना चाहिए गिव एंड टेक होना चाहिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कंप्रोमाइज़ करने वाला है और ताज़ा मिसाल यह है अखिलेश जी ने कोई आसमान नहीं मांगे थे अखिलेश यादव जी ने चांद तारे नहीं मांगे थे दस सीटें मांगी थी 230 में दस सीटें क्या है उनकी बैकवर्ड पॉपुलेशन इन यादव पॉपुलेशन बहुत है हमारे डिप्टी सीएम कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट और एमएलए मिनिस्टर यादव रहा है वहाँ से मध्य प्रदेश से तो यादव अच्छी खासी पॉपुलेशन अगर वो इंडिया का हिस्सा था दस सीटें देते आपको फ़ायदा होता अब उन्होंने कई चालीस पे खड़े कर दिए कांग्रेस जहाँ दस दस हज़ार से हारी आ या हारी है या दो हज़ार से उससे ज़्यादा वहां मिली लेकिन आप अखिलेश जी को वो 6 पे आया आप 6 भी नहीं आते बल्कि उसका नाम भी उल्टा शीलता लिया अखिलेश पखिलेश कौन होता तो ये आप 6 साल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट के एक्स मुख्यमंत्री को मेंबर पार्लियामेंट को इस तरह से एड्रेस करते हैं तो कहां चलेगी रेस्पेक्ट म्यूचुअल रेस्पेक्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग गिव एंड टेक जब तक नहीं होता ये 26 पार्टियों को इकट्ठे रखना एक फोरम पे एक स्टेज पे एक वोट पे वोट दिलाना कठिन काम। सर आपसे मेरा आखिरी सवाल 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काउंटर करने का क्या तरीका होना है अब ये मैं एडवाइजर ना उनका हूँ ना या इनका हूँ मैं क्यों एडवाइज करूं मैं इसलिए एडवाइज नहीं करूं कह सकता था जी। बीजी जो दूसरी रीजनल पार्टीज थी मेरे सब दोस्त थे लेकिन इंडिया बना तो कांग्रेस वाले कहीं नाराज ना उन पर है उन्होंने भी हमसे सब बच छोड़ दिए अब भुगते मगर 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खिलाफ आपको कोई ऐसा चेहरा चेहरा लगता है आपको कोई मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता मैं किसी की साइड नहीं सकता ये है दुनिया सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट मैं स्टूडेंट रहा हूँ दार्व, तो तमाम मुद्दों पर बात हुई और कई मुद्दे छूट भी गए जिनके लिए हम दूसरी बार इंटरव्यू कर लेंगे आपके साथ लेकिन बहुत अच्छा लगा बहुत धन्यवाद आपको आपके चैनल को आपके प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में आप आए हैं और अधिकतर देश के आबादी आपका प्रिंट मीडिया आई डोंट नो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना आप आगे चले गए हैं देखते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं और लोगों को लाभ मिलता ही आपके बहुत बहुत धन्यवाद बहुत है। बहुत धन्यवाद फिलहाल जागरण डायलॉग्स में इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार